बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ अदिति और आज जो हम आपके लिए रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम है मटर की कचौड़ी। ये बहुत ही यमी और बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी। तो चलिए हम इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चलिए अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमारे मटर की कचौड़ी के लिए। तो सबसे पहले डो और उसके बाद फिलिंग, मैं आपको इस तरह से इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें डो के लिए जो चाहिए वो मैदा चाहिए। ये 1/2 कप मैदा है, ये वाला बोल। इसके बाद हमने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है। इसके बाद हमें बेकिंग पाउडर चाहिए और इसके बाद हमें नमक लगेगा। इसके बाद हम आते हैं हमारी फिलिंग के ऊपर। फिलिंग में हमें चाहिए 1 कप मटर, 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च, आधा टुकड़ा अदरक का कटा हुआ, आधा कप हरा धनिया कटा हुआ। इसके बाद हमें मसाले में चाहिए आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर। इसके बाद हमें चाहिए 1 से 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी। इसके बाद हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच बेसन। इसके बाद हमें चाहिए रेड चिली पाउडर। इसके बाद कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी पाउडर। इसके बाद हमें चाहिए जीरा, साथ में हमें लगेगा हींग और नमक, जो मैं आपको आगे प्रोसेस में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, इसमें जो हमारा मैदा था उसे निकाल लेंगे और उसमें हम अराउंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये 1/2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डाल दिया मैंने इसमें, और अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। नमक हम इसकी फिलिंग में भी डालेंगे तो उस हिसाब से डालिएगा। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें हमारा जो घी था वो डाल देंगे। अब घी को आप अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से एकदम। देखिए आपको घी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। और देखिए अगर आप इसको ऐसे बांधेंगे ना, देखिए इसका ऐसे लड्डू फॉर्म हो जाएगा। ये आपकी निशानी है कि आपका जो घी है और जो मैदा है वो एकदम राइट प्रोपोर्शन में पड़ी है। अब आप इसका एक सेमी सॉफ्ट डो गूंद लेंगे, ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, पानी की मदद से थोड़े से। और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने ये आटा जो है ये गूंद लिया है। ये सेमी सॉफ्ट है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसको एक गीले कपड़े से ढक के और अराउंड 30 मिनट्स रख देंगे। और अब हम हमारे जो मटर की फिलिंग है, जो हमारे कचौड़ी की फिलिंग है, वो बनानी शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम मटर की फिलिंग बनाएंगे हमारी कचौड़ियों के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारी मटर है उसको एक मिक्सर में डाल देंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं पीसना है, सिर्फ 1-2 बार इसको ग्राइंड कर लीजिए। और उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये जो मटर थी इसको 1-2 बार ग्राइंड कर लिया है। इसमें साबुत मटर भी है और ये पिसी हुई मटर भी दिख रही है। हमें इसको इतना ही ग्राइंड करना था। अब इसके बाद हम इसको साइड रख देंगे और एक कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी डालेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। अब घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें अराउंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ जीरा डाल देंगे और गैस को सिम कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें अराउंड 1/4 टेबलस्पून ऑफ हींग डाल देंगे। That's it. इसके बाद हम इसमें जो हमारा ग्रीन चिलीज और जो हमारा जिंजर है वो डाल देंगे और इसको हल्का सा चला लेंगे। अब 1 मिनट बाद हम इसमें जो हमारा बेसन है अराउंड 2.5 टेबलस्पून ऑफ बेसन डाल देंगे। बेसन से इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आता है फिलिंग में, और इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए आप लोग, अब जो हमारा बेसन है वो भुन गया है। अब हम इसमें जो हमारा हमने पेस्ट ग्राइंड किया था मटर का, वो डाल देंगे और इसको 1-2 मिनट अच्छे से चला लेंगे। हमें इसका पूरा पानी सुखाना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें हमारे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज्यादा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे भूनना है जब तक कि ये जो गीला गीला मटर है ये एकदम से सूखा ना हो जाए, तो इसे तब तक भूनेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद आप देखेंगे इसका जो पानी है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अभी इसे हमें और भूनना है। लेकिन उससे पहले इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। सबसे पहले आप इसमें नमक डाल दीजिए। हमने नमक डो में भी डाला था, तो उस हिसाब से डालिएगा। के बाद हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें सौंफ पाउडर डाल देंगे। सौंफ बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, अराउंड 1 या 2 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। जिसको ज्यादा थोड़ा खट्टा पसंद है थोड़ा ज्यादा डाल दे, मैं 1.5 टेबलस्पून डालूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आप लोग, अराउंड 5 मिनट बाद जो हमारा मटर है वो ऐसे अलग अलग हो जाएगा एकदम, और ये इंडिकेशन होता है कि जो हमारा पेस्ट है, फिलिंग है, वो अच्छी तरह से भुन चुकी है, और ये बहुत ही यम्मी लगती है देखने में। अब ऊपर से आप इसमें क्या कीजिए, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो हरा धनिया डाल दीजिए, तो फ्लेवर और अच्छा आएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए अब इसमें अच्छी तरह से हरा धनिया मिक्स हो गया है। अब आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इसको साइड में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। और अब हम इसके बाद हमारी कचौड़ी, हम कचौड़ी फ्राई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसको गर्म करने के लिए गैस ऑन कर देंगे और तेल गर्म होने देंगे। साइड बाय साइड हम अपनी कचौरी फिल कर देंगे। तो जो हमारा आटा हमने ढक के रखा था, देखिए तो ये रहा। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे इक्वल साइज के। तो देखिए अभी हमने ये इक्वल साइज के पेड़े तोड़ लिए हैं। अब हम इसमें से एक पेड़ा लेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल की जरूरत भी नहीं है, वैसे आपने इसमें घी डाला है, और इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। देखिए अब इसको थोड़ा सा बेल लेने के बाद इसमें जो हमारी फिलिंग है उसे रखेंगे। अच्छे से रखिएगा फिलिंग, कंजूसी मत कीजिएगा वरना आपको टेस्ट नहीं आएगा। मैंने 1.5 टेबलस्पून फिलिंग भरी है, और इसको अब ऐसे साइड से लेते हुए इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारा ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम ऐसे निकाल लेंगे और इसको वापस से बेलेंगे। अब इसको फिल कर लेने के बाद पहले आप इसे हाथ की मदद से फैलाइएगा। हमें इसके साइज ना ज्यादा मोटे करने हैं ना ज्यादा पतले करने हैं। आप इसको ऐसे हाथ की मदद से फैलाने की कोशिश कीजिए, मैं कर रही हूँ। और इसके बाद आप हल्के हाथ से इस पर रोल कर दीजिए और इसी तरह से इसको बड़ा कीजिए, और ऐसे ही मैं सारी बनाकर रख लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको फ्राइंग का प्रोसीजर आगे दिखाऊंगी। तो देखिए अब मैंने जो कचौड़ी थी हमारी वो बना के रख ली है। अब इसके बाद जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है, और अब आप गैस को एकदम सिम पर कर देंगे। तेज पर हम इनको नहीं फ्राई करेंगे और इसको एक एक करके डालेंगे। और इसको एकदम सिम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से पकने देंगे। अब देखिए ये एक साइड से फूल गई है, तो अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से अच्छे से ब्राउन होने देंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है दोनों साइड से। देखिए अब जो हमारी कचौड़ी है वो ये वाली जो कचौड़ी हमने पहले डाली थी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे और ऐसे ही मैं सारी कचौड़ियाँ फ्राई कर लेने के बाद आपसे इसकी प्लेटिंग शेयर करूँगी। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी मटर की कचौड़ी। ये बहुत ही यमी है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे ग्रीन चटनी या फिर रेड टमेटो केचप दोनों में से किसी के साथ भी खा सकते हो। अदरवाइज आप इसे सिर्फ खाली भी खा सकते हैं, ये तब भी बहुत यमी लगती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।